नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज मुद्दा आपका में बात होगी यूपी के चुनावी रण की। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, और कहते हैं ना कि जिसने यूपी जीत लिया उसने सत्ता पर काबिज होने का रास्ता जीत लिया, क्योंकि लखनऊ से ही दिल्ली का रास्ता गुजरता है। ये सियासत की बहुत पुरानी कहावत है। आज उत्तर प्रदेश का जिक्र और फिक्र क्यों? वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और चुनाव के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर चुकी है। रणनीति के लिहाज से बीजेपी ने, या यूं कहें कि खुद चुनावी मूड में रहने वाले बीजेपी के धुरंधर, बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कमान संभाल चुके हैं। और ऐसे में सवाल यह कि उत्तर प्रदेश को क्या बीजेपी ने इस वक्त साख का सवाल बना लिया है? और उससे भी ज्यादा जरूरी यह कि क्या किसान आंदोलन की जो चोट है, जो जख्म है, जो माना जा रहा है कि इसका असर सीधे तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर हुआ, उसकी भरपाई और उस पर मरहम लगाने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने खुद कमान संभाल ली है। यह जिक्र इसलिए क्योंकि 11 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री दौरा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का बलरामपुर। बलरामपुर में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करने के लिए। और दिलचस्प बात यह है कि जो निर्माण परियोजना का जिक्र मैं कर रहा हूं, और उसकी कुल लागत जो है वो करीब 9800 करोड़ है, 9800 करोड़। और पूर्वांचल में जो बाढ़ और सूखे की जो समस्या है, माना जा रहा है इस परियोजना से उसको निजात मिलेगी, और करीब 14 लाख हेक्टेयर जमीन को यह पानी मिलेगा। ऐसी स्थिति में पूर्वांचल के किसानों को फायदा मिलेगा, और इनकी तादाद 30 लाख के आसपास है, 30 लाख के आसपास। और अब जिस चर्चा का मैं जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि 20 अक्टूबर 2021 में कुशीनगर हो, 25 अक्टूबर सिद्धार्थनगर हो, फिर 25 अक्टूबर को ही वाराणसी हो, इसके साथ साथ आजमगढ़ 16 नवंबर और 16 नवंबर सुल्तानपुर हो, मैं प्रधानमंत्री के उन दौरों का जिक्र कर रहा हूं जो एकाएक उत्तर प्रदेश में तेज हो चुके हैं। योजना परियोजनाओं के उद्घाटन, अब इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। अपने मेहमानों की तरफ मैं रुक करूं, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में क्यों जरूरी है। 13 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में, 13 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में 3 दफा देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश वाराणसी आए, काशी, और इसके साथ साथ अब संकेत दे दिया गया है कि 23 दिसंबर का मैं जिक्र कर रहा हूं और 13 दिसंबर तक सभी देश के जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री पदाधिकारी पूरी ताकत झोंक देंगे उत्तर प्रदेश में। और साथ ही साथ एक तरफ कांग्रेस भी प्रियंका गांधी के सहारे रणनीति का ताना बाना बुन रही है, जैसे सपा का MY फैक्टर था ना, MY, उस ही फैक्टर को लेकर प्रियंका गांधी आगे बढ़ रही हैं। लेकिन यह MY वो मुस्लिम यादव वाला फैक्टर नहीं है, ये MY फैक्टर जो प्रियंका गांधी का फैक्टर है वो महिला प्लस यूथ, और उसी हिसाब से उन्होंने आगे की रणनीति तैयार की है कि 40% महिलाओं को टिकट की भागीदारी। अब समाजवादी पार्टी बीजेपी से नाराज चेहरों को अपने साथ जोड़ रही है, राष्ट्रीय लोकदल, OP राजभर, ये तमाम चेहरे, और बीजेपी के साथ निषाद हूं जो निषाद पार्टी है, या फिर अपना दल, और इस रणनीति का ताना बाना खुद अमित शाह बुन रहे हैं।
अब वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे उत्तर प्रदेश की रणनीति को समझते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव को उन्होंने ही रणनीति के तहत जिताया था जातीय समीकरण के आधार पर। और अमित शाह खुद एक्टिव हैं और देश के प्रधानमंत्री खुद चुनावी रण में सामने आकर एक्टिव होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और ऐसे में बलरामपुर इस बार उन्होंने चुना, मगर सवाल ये, जिस सवाल के आधार पर इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा, वो सवाल ये कि क्या वाकई किसान आंदोलन जो खत्म होने का ऐलान हो चुका है उसका असर इस चुनाव में अभी भी होगा, और क्या उसी असर को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए देश के प्रधानमंत्री खुद मोर्चा संभाल चुके हैं। याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी का दौर, अटल जी के दौर में माना जाता था कि बीजेपी जब वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो खुद राज्यों के चुनाव में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे, लेकिन ये अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी है। 365 दिन चुनावी मोड, वो खुद फ्रंट पर आके लड़ाई को लड़ते हैं, और उसी के उदाहरण का मैं जिक्र कर रहा था, एक के बाद एक रैली और कार्यक्रम इसका एक जीता जाता सबूत है। मगर क्या किसान आंदोलन का असर अब चुनाव में नहीं होगा? आज इसी सवाल को लेकर मैं आप सबके बीच में आया हूं, और सीधा रुख करूंगा अपने मेहमानों की तरफ। आर के मिश्रा मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि बीजेपी के चेहरे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आर के मिश्रा जी, थैंक यू सो मच इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। शिल्पी चौधरी समाजवादी पार्टी का चेहरा है, लाल टोपी देखकर आप समझ गए होंगे, जिसको लेकर अक्सर आर के मिश्रा साहब जो है वो कटाक्ष करते हैं बीजेपी के नेता। शिल्पी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भूदेव शर्मा हमें ज्वाइन करेंगे क्योंकि कांग्रेस के नेता हैं, तेज तरार प्रवक्ताओं में से एक हैं। आकांश पंडित को हमने आमंत्रित किया है, जो कि किसान नेता हैं, जो कि किसानी की बात करते हुए आए। इस किसान आंदोलन के दौरान किसानों का पक्ष उन्होंने बेबाक अंदाज से रखा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आर के मिश्रा जी मैं शुरुआत आप ही से करता हूं। यूपी का युद्ध, रण में मोदी, यानी मैं मान लू कि किसान विरोधी जो माहौल तैयार हो रहा था, आपकी पार्टी पर जो ठप्पा लगाने की कोशिश विपक्ष कर रहा था, उसके असर को कम करने की कोशिश अब देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आर के मिश्रा जी, तिलक जी निश्चित तौर पर देखिए ऐसा है, जिस तरह से विपक्षियों ने अपना एक माहौल बनाने की कोशिश की, चाहे वो किसान आंदोलन को लेकर के हो, चाहे किसी भी आंदोलन को लेकर के, मैं एक चीज यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा। लोग कहते हैं जो कि आप अभी यूपी का जो परियोजना है उसका उद्घाटन कर रहे हैं या उसका शिलान्यास कर रहे हैं, तो देखिए मैं ये नहीं कहना चाहता हूं जो कि अगर मान लीजिए कोई चुनाव है 4 महीने के बाद और उसके मैं उसमें विकास का कोई कार्य रुके और जनता उससे बिल्कुल ये हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है, तो निरंतर विकास होते रहना चाहिए। लेकिन जहां तक बात है किसान आंदोलन की और कि विकास को चुनाव से पहले 4 महीने पहले बहुत तेज हो जाता है ये विकास, आचार संहिता लगने वाली होती है तब उससे ज्यादा तेज हो जाता है विकास। तिलक जी आ रहा हूँ उसी के ऊपर मैं आ रहा हूँ। अब इसको 5 स्टेट के चुनाव से जोड़ा जाता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अगर मैं उदाहरण देता हूँ तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे 2016 में हमने 8/11/2016 को डिमोनेटाइजेशन किया था और हमने यूपी में ही यही 2017 में जो किस तरह से हम मैंडेट लेकर के आए थे, आपने देखा होगा जिस राहुल गांधी जी जिस जीएसटी को कहते थे गब्बर सिंह टैक्स कहते थे, उसमें फिर गुजरात का चुनाव था तो हम गुजरात में किस तरह से मैंडेट लेकर के आए। कृषि कानून जब आया उस समय में 5 स्टेट को और चुनाव था, जैसे बंगाल का हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, लेकिन किस तरह से असम में हमने सरकार बनाई, बिहार में सरकार बनाई, 3 से 77 सीट पर हम पश्चिम बंगाल में गए। तो देखिए मैं मात्र एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जो कृषि आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन तो हो, आंदोलन मिश्रा जी निश्चित तौर पर आप ये आंदोलन हुआ है कि किसान का मूल्यांकन भी होना चाहिए। जी 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 तिलक जी, किसान आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये मुझे समझा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आप एक चीज को समझ लीजिए, अगर कोई भी आंदोलन है हमने वो निरंतर विकास के प्रयास किए हैं, लेकिन आज उस विकास के प्रयास को विपक्ष अगर माहौल बना करके ये कहने की कोशिश करे कि ये 5 स्टेटों का चुनाव है या 2 स्टेटों का चुनाव है इसलिए कृषि कानून को वापस लिया गया, तो मैं इस चीज को नहीं मानता, क्योंकि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कह चुका हूं। कोई राजनीतिक डर नहीं था? नहीं, आपको कोई राजनीतिक डर नहीं था ना? बिल्कुल नहीं तिलक जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
तो इसलिए निरंतर प्रयास होते रहना चाहिए विकास का, पार्टी कोई भी हो। मैं कह रहा हूँ देश का प्रदेश का विकास होते रहना चाहिए। चुनाव आते हैं जाते हैं, पार्टियां बनती है, पार्टियां अपना सरकार बनाती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपने क्या, जहां तक यूपी की बात है, निश्चित तौर पर हमने पूर्वांचल से लेकर के अगर पश्चिम तक की बात करें तो हर जगह हमने विकास के पूरे कार्य किए हैं। चाहे पूरे देश की बात हो, हर जगह हमने जहां पे भी इतनी चुनौतियां आई है, हम उन चुनौतियों का सामना करते हुए हमने एक एक चीज को पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ हमने उस बाधाओं को पार किया है और आगे भी पार करते रहेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। शिल्पी जी, आर के मिश्रा जी कह रहे हैं किसान आंदोलन का कोई असर नहीं पड़ेगा इस चुनाव में, जो आंदोलन था वो खत्म हो गया, आप लोगों ने जानबूझकर जो माहौल तैयार किया और किसान विरोधी सरकार को बताने की कोशिश की, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा और उसी असर को कम करने के लिए देश के प्रधानमंत्री यूपी में एक्टिव हैं। शिल्पी जी, मतलब बड़ी कमाल की बातें मिश्रा जी कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि विपक्ष माहौल बना रहा है और हम विकास की बात करते हैं, हम विकास कर रहे हैं और विपक्ष ने ये आंदोलन खड़े कर दिए। इन्होंने दो बातें कही कि जब हमने डिमोनेटाइजेशन किया उसके बाद भी हम बहुमत लेके आए और डिमोनेटाइजेशन इनके अनुसार विकास करने के लिए था। तो क्या कृपया करके मिश्रा जी मुझे ये बताएंगे कि नोटबंदी से, डिमोनेटाइजेशन से क्या विकास हुए देश में? उसके बाद आप मुझे ये बताएंगे कि किसान आंदोलन अगर विकास करने के लिए ही था और विपक्ष जनता को भड़का रहा था तो आपने ये कानून वापस क्यों लिए? उसके बाद आपको, आप कहते हैं कि राजनीतिक रूप से आपको कोई डर नहीं है, कितना भी जनता आपके खिलाफ हो रही है, तो ये तो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बयान है आपका मिश्रा जी। मुझे माफ करिएगा, मुझे ऐसी बात कहनी पड़ रही है। 200 से अधिक लोग नोटबंदी के दौरान आकस्मिक मृत्यु का शिकार हुए, लोगों ने आत्महत्याएं करी और 750 से अधिक किसानों की आत्महत्याएं और हत्याएं हो गई हैं। गृह राज्य मंत्री के बेटे ने हत्या की निर्मम तरीके से और आप कहते हैं आपको कोई डर नहीं है? मतलब बीजेपी तो एकदम धृष्टता पर उतर आई है कि वो जो चाहेगी वो नंदनाश करेगी और आप कहेंगे कि हमको कोई डर नहीं। पूछ लेता। और अगर आप विकास की बात कर रहे हैं आदरणीय, आरके मिश्रा जी करके हमको ये बताएं, फिर मैं भूदेव जी आपके पास आ रहा हूं। आप लोगों ने किया क्या, विकास हुए हैं देश में इन दोनों चीजों से? क्या विकास करना चाहते थे आप कि वो तीन कास्ट okay, आपको काले okay. कानून आर के मिश्रा पड़े? अगर आर के मिश्रा जी चाहते थे तो सवा साल बाद आर के मिश्रा जी जवाब दीजिए। जिस तरह से शिल्पी जी ने अभी कहा, ओके आर के मिश्रा जी जवाब दीजिए। देखिए, जब प्रधानमंत्री खुद आकर के, हम तो कहते हैं जो कि कोई भी इनका नेता अगर गलती का, जैसे आपने देखा कोरोना काल में, मैं एक उदाहरण देता हूँ, जिस कोरोना काल में इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने खुद कहा था ये बीजेपी की वैक्सीन है और आज वो आकर के माफी मांगेंगे क्योंकि नहीं ये मैं गलत कह रहा था क्योंकि बीजेपी की वैक्सीन नहीं है, ये सुरक्षित वैक्सीन है। आप सरकार चला रहे हैं, शिल्पी जी जवाब सुनिए, तो आज भी नहीं है, शिल्पी जी जवाब कह रहे हैं कि कोई आप हमारी गारंटी नहीं, आप बोलिएगा, आप निश्चित बोलिएगा, मेरी बात सुन ले, आप ही की बात से कह रही हूँ सर। ओमिक्रॉन आ गया है और आपकी पिछले की सारी वैक्सीन बेकार हो चुकी है ओमिक्रॉन के आगे, आप कैसी बातें कर रहे हैं शिल्पी जी? ओके, तो आपकी क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर के ये गलती मानेंगे क्योंकि हमने जो भी कहा था वो गलत कहा था? बल्कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे आप। क्यों? क्योंकि आप लोग ऐसी पार्टी हैं, आप लोग ऐसी पार्टी हैं जहाँ पर प्रदेश की जनता को, प्रदेश की जनता को आप लोग भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, आप लोग प्रदेश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं हमेशा से ही। आपका कभी भी एजेंडा विकास का नहीं रहा, आप ये कह रहे हैं आपका कभी भी एजेंडा विकास का नहीं रहा, उस चीज को समझिए आप। आज क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर के मानेंगे जो कि जो हमने वैक्सीन की बात करी थी वो हमने गलत कही थी? वो कभी नहीं मानेंगे, वो कभी नहीं मानेंगे। आज जिस उत्तर प्रदेश को आतंकियों का अड्डा कहा जाता था, आज उसका खात्मा करने का योगी जी ने काम किया है, योगी जी ने काम किया है। इसलिए ये विमान में 14 लोगों की मृत्यु हुई है, उनकी मृत्यु कैसे हुई ये जवाब प्लीज एक सेकंड हटा दीजिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या मानेंगे गलती? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या गलती मानेंगे? तो हमने जो वैक्सीन के ऊपर में बात कही थी, हमने वैक्सीन के ऊपर में जो बात कही थी क्या वो मैंने गलत कही थी? आकर के मांगे माफी, माफी तो मांगे, प्लीज माफी मांगे, तो
इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी लेगी। चीफ ऑफ आरके मिश्रा, आप लोग जिन्ना जिन्ना करते रहिए, जो जिन्ना देश के विभाजन का खलनायक था, जो जिन्ना देश के विभाजन का खलनायक था, उसको आप लोग महिमा मंडन कर रहे हैं। आप लोगों की पार्टी तो ऐसी पार्टी है, आप लोगों की पार्टी तो ऐसी पार्टी है। शिल्पी जी प्लीज, आर के मिश्रा प्लीज, हत्यारे हैं आप लोग। एक सेकंड प्लीज। शिल्पी जी प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, एक एक करके अपनी बात को रखिए। आप लोग काबिल प्रवक्ता है और रोज डिबेट में बैठते हैं और चार चार डिबेट डेली की करते हैं। प्लीज आप लोगों को मालूम है कि अपनी बात को कैसे रखें। कहां मुद्दे, मेरी दो बातों का जवाब दे दें बस। शिल्पी जी नहीं, मेरी बातों का जवाब दीजिए ना। मैं उसी पर आ रहा हूं ना, मेरी बातों का जवाब दे दीजिए ना। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या गलती मानेंगे? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या गलती मानेंगे? वैक्सीन के ऊपर में जो आर के मिश्रा जी, मैं सवाल पूछने का अधिकार मेरे को छोड़िए ना। आप दोनों सवाल पूछेंगे तो जवाब कौन लेगा? जवाब मैं लूंगा ना, सवाल मुझे पूछने दीजिए, अधिकार ये तो रखिए कम से कम मेरे पास। एक कह रहा हूं मैं सवाल, ये आर के मिश्रा जी, मैं भूदेव जी के पास जाऊं। आपने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, क्या इनके नेताओं ने माफी मांगी? मेरा सवाल यही है, यानी आपने मान लिया कि आप लोगों ने गलती की थी? तिलक जी, जब प्रधानमंत्री खुद आकर के उन्होंने इस चीज को आगे आकर के स्वीकार किया, निश्चित तौर पर उन्होंने देश से, आप किस नेता से अपेक्षा करते हैं? आप मुझे एक चीज बताइए ना, यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं, किस नेता से अपेक्षा करते हैं जो गलती आकर के देश के सामने में स्वीकार करे? नेता ऐसे होता है, आज एक संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति, उन्होंने देश से माफी मांगी, और इस चीज का ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इनके पार्टी के हैं, लाल टोपी वालों के पार्टी के जो हैं, क्या वैक्सीन के ऊपर में उन्होंने माफी मांगी? जो हमने गलत स्टेटमेंट दिया था, ये सुरक्षित वैक्सीन है, ये देश के लिए वैक्सीन है। 700 किसानों की मौत, माफी मांग रहे हैं आप? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने खुद मांगा। मैं तो कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर के माफी मांगा। आप मांगेंगे माफी? कानून हमने नहीं समझा, आप मांगेंगे माफी? और वो गलत था, इसलिए मैं वापस कह रहा हूँ, क्षमा मांगा उन्होंने देश से। आप मांगेंगे माफी? अब इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? आप माफी मांग रहे हैं? ओके भूदेव शर्मा, मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? बिल्कुल। ओके भूदेव, ओके एक सेकंड, भूदेव शर्मा क्या आप मुझे सुन पा रहे? कैन यू हेयर मी भूदेव शर्मा? हाँ हेलो, हाँ जी, हाँ तिलक जी, आवाज आ रही है जी? भूदेव जी देख रहे हैं आप, देश के प्रधानमंत्री कितना एक्टिव हो गए हैं, और आर के मिश्रा जी से मैंने पूछा, ये किसान आंदोलन का जो आप लोगों ने माहौल तैयार किया था, वो ये कह रहे हैं कि भैया माहौल जो विपक्ष ने तैयार किया था वो माहौल अब खत्म हो चुका है और किसान समझ चुके हैं, और अब जो कल परियोजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं, 9 जिलों के 30 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा, आपको लगता है कि किसान आंदोलन का असर खत्म हो गया? देखिए तिलक जी, अब किसान आंदोलन ही एक इस देश में समस्या नहीं रही है, ऐसी तमाम समस्याएं हैं, तमाम मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी का हो, महंगाई को लेकर हो, मजदूरों को लेकर के, कोरोना में भी किस तरह से जो अव्यवस्था रही, तो अब अगर चुनावों के समय पे आप जनता को बरगलाने का जो काम हर बार करते आए हैं, 2014 से पहले आप 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए और तमाम तरह की जो योजनाएं लोगों के लिए लेके आते थे, वो जनता अब समझ चुकी है कि किस तरह से हमारे मोदी जी आते हैं, चुनावों से पहले लोगों को बरगलाने का काम करते हैं और उसके बाद 5 साल तक दिखाई नहीं देते हैं। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल बन चुका है, जो तानाशाही सरकार चल रही है, उनको कोई मतलब नहीं है कितनी अव्यवस्था वहां फैली हुई है। किसी के साथ बलात्कार किया जाता है, उसको रात को जला दिया जाता है, किसी को पुलिस वालों के द्वारा बुरी तरह से पीटा जाता है, किसी को होटलों में फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं, तो ये तमाम समस्याएं हैं। एक अकेला किसान आंदोलन ही कोई मुद्दा नहीं था, तो अब आप कितना भी कीजिए, ये देश और प्रदेश की जनता जान चुकी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और निश्चित तौर पर वहां की जनता, उत्तर प्रदेश की या 5 राज्यों की जो भी जनता है, उसके बाद में लोकसभा के चुनाव होंगे तो उनमें इनको निश्चित तौर पर इसका जवाब मिलेगा और ये देश की जनता इनको बताएगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का इफेक्ट जो है वो कम हुआ है, आप भी खुद मान रहे हैं कि अब ये आंदोलन खत्म होने के बाद जो है, जो असर है वो खत्म हो चुका है?
बिल्कुल भी इसका असर कम नहीं हुआ है। आप ये तिलक जी मान सकते हैं कि देखिए कि किसानों को एक साल सर्दी गर्मी बरसात में इस देश की राजधानी दिल्ली की सीमा पर 378 दिन रहना पड़ा, उनको खालिस्तानी, उनको पाकिस्तानी, उनको आतंकवादी, कभी उनको सिखों का आंदोलन, कभी जाटों का आंदोलन इस तरह से बोल के और उनके आंदोलनों को बदनाम करके खत्म करने की जो सरकार ने साजिश रची, क्या उसे किसान भूल सकते हैं? क्या उसे इस देश के वो लोग भूल सकते हैं जो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए थे? पूछ लेता। क्या इस देश के लोग ये नहीं समझते कि केवल चुनाव जो उपचुनाव में इनको जो हार का सामना करना पड़ा है और जो 5 राज्यों में चुनाव है इसीलिए भड़गड़ाने का काम कर रहे हैं? आज देश के लोगों को, किसानों को ही नहीं, देश के किसी भी लोगों को प्रधानमंत्री जी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसीलिए किसानों ने सीधे तौर पर ये बोला कि हमें लिखित में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोहर लिखी मोहर लगी हुई चाहिए, वरना प्रधानमंत्री जी के कहने का भरोसा भी देश का एक भी व्यक्ति नहीं करता है। क्योंकि जो लोग नोटबंदी के समय 50 दिन देश से मांगते थे, आज तक देश के किसी भी चौराहे पर न तो प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं न वित्तमंत्री दिखाई देते हैं। भूदेव जी हो गया, एक सेकेंड, मैं जरा अब जो है पंडित जी को आमंत्रित कर रहा हूं। पंडित जी मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? पंडित जी आपने सुना आरके मिश्रा जी ने कहा कि अब इस आंदोलन का असर खत्म हो जाता है क्योंकि आंदोलन खत्म होने जा रहा है, लेकिन भूदेव जी कह रहे हैं कि असर खत्म नहीं होगा क्योंकि उन लाशों का हिसाब तो देना पड़ेगा जिन किसानों की मौत हुई, सर्दी गर्मी का हिसाब देना पड़ेगा, जहां पर किसान ठंड में बैठे रहे गर्मी में बैठे रहे उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। आपको लगता है कि अब बात खत्म, आंदोलन खत्म? आपके माध्यम से सरकार तक फिर से पुनः इस बात को ले जाना चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार किसानों की बातों को बेबाकी से दिखाते रहे हैं, तो मैं इस चीज को बताना चाहता हूं कि आज इस आंदोलन को इतना लंबा समय इसीलिए केवल गुजरा कि ये जो आपस किसान नेताओं और सरकार के बीच का जो कम्युनिकेशन था, और सरकार के द्वारा अगर ये कम्युनिकेशन या इस तरीके की बात कि इसमें दम निकल गई है या दम जुड़ गई है, तो ये आंदोलन किसी दम निकालने या दम जोड़ने के लिए नहीं था। ये आंदोलन केवल किसानों के लिए था, और ये जो आपत्ति का समय, विपदा का समय चल रहा था कोविड के समय, किसी भी किसी किसान नेता से या किसी राजनीतिकविद से या कृषि वैज्ञानिकों से या कृषि के जो विशेषज्ञ लोग थे, किसी से भी राय लिए बिना, यहां तक कि लोकसभा में एक बार बिना बहस कराए डायरेक्ट उसको लोकसभा के अंदर पेश कर दिया गया था। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा अभी भी बयान दिया गया है कि जो तीनों काले कानूनों की वापसी, ये आधी बात है ना कि पूरी बात है। आपको मैंने पूर्व के जो आपके साथ मेरी डिबेट्स हुई है, मैंने उसमें भी आपको बताया है कि हमारी जो MSP पे गारंटी की मांग थी वो कोई नई नहीं है, वो मांग हम लोगों ने शुरुआत से की थी जब से आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। आज भी संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा और हमारे मोर्चे के नेता अभी गुरनाम सिंह चढ़ूनी के द्वारा कल फिर बयान दिया गया था। पंडित जी मैं जिस बात को लेकर आया हूं, मैं कह रहा हूं कि किसान आंदोलन का असर क्या वाकई अब खत्म नहीं हो जाता आपको नहीं लगता? क्योंकि ये दावा कर रहे हैं कि हम 9 जिलों में 30 लाख किसानों को, कल देखिए इतनी बड़ी परियोजना का जो है उद्घाटन होने वाला है, और सीधे तौर पर बलरामपुर का मैं जिक्र करूं तो वहां पर 30 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा जिसका जिक्र किया जा रहा है, ये 9 जिले जो आसपास होते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं किसानों को मनाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है? यही तो उद्देश्य था इस आंदोलन का जो सरकार आज कर रही है, यही उद्देश्य था पूरे आंदोलन का। अगर सरकार ये कार्य करती रहती तो इस आंदोलन की आवश्यकता क्या पड़ती? तिलक जी मेरा प्रश्न आपसे, आरके मिश्रा, अगर ये जी तिलक जी देखिए, मैं ये कहता हूं जो कि इसमें किसकी हार किसकी जीत ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं जो कि ये किसान भी आंदोलन हुआ निश्चित तौर पर, और यहाँ पर किसान भी इसी देश की इसी देश के जनता हैं,
हम लोग भी इसी देश के जनता हैं और देश के दिए हुए टैक्स के पैसे से ही मान गए किसान थे। ये हम सब की जिम्मेदारी है जो कि कहां पर किसका कौन से समाज को किस तरह से विकास के रास्ते पर ले जाया जाए, उसको किस तरह से निरंतर प्रयास किए जाए। आज तो फिर ये टैक्स का पैसा योजनाओं के नाम पर रैलियों में क्यों तब्दील कर देते हैं आप? यही टैक्स का पैसा चुनावों के नाम पर रैलियों में क्यों तब्दील कर देते हैं? ये यूपी में 2017 से पहले हुआ करता था, हमारे हमारे सरकार में ऐसा नहीं चलता है। ये 2017 से पहले जहाँ पर माफिया दो दो हजार करोड़ रुपयों की संपत्ति लेकर के बैठे रहते, आज वो सारे दो हजार करोड़ की संपत्ति को हम लोगों ने जब्त करने का काम किया है, और जहाँ तक बात है कांग्रेस की, कांग्रेस जो कांग्रेस 10 सालों में 90% चुनाव हार चुकी है, तो 10 सालों में 90% चुनाव हार चुकी है, पटा रही है जो कैसे हम सत्ता में आए, लेकिन जनता नकार चुकी है, और इनको दोबारा सत्ता में नहीं आएगी, पहली बात 2017 में समाजवादी पार्टी का नारा क्या हुआ करता था? काम बोलता है, अरे काम नहीं बोलता, माफिया बोलता है, आप लोगों का नारा ऐसा होना है, माफिया बोलता है, और उन माफियाओं का खत्म करने का काम योगी जी के नेतृत्व में हुआ। इस चीज को मानिए, आज 2000 करोड़ की संपत्ति, सरकारी संपत्ति हो चुकी है, उसको हमने जब्त करने का काम किया है। बुदेव जी एक मिनट प्लीज, बुदेव जी आ रहा हूँ आपके पास, कोई भी दंगे नहीं होने दिए। एक एक करके प्लीज, नो नो नो, मैं ना ना ना, एक सेकेंड प्लीज, मैं जिस विषय पर आ रहा हूं, मैं किसानों के विषय पर चर्चा करना चाह रहा हूं। मैं लगातार एक मेरा मिशन रहा है, हम किसानी के विषय पर चर्चा करें प्लीज। शिल्पी जी, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था, अगर चुनावी नजरिए से आप बात कर रहे हैं, तो चुनावी नजरिए से जो कांग्रेस ने एम बाई फैक्टर, आपका एम बाई फैक्टर था ना मुस्लिम प्लस यादव, अब कांग्रेस ने महिला प्लस यादवों का जिक्र नहीं किया, महिला प्लस यूथ का जिक्र किया है, आपको कैसा लगा ये फॉर्मूला प्रियंका गांधी का? प्रियंका गांधी जी के फॉर्मूले से 20 दिन पहले हमारे यहाँ से ये फॉर्मूला लॉन्च हो चुका था, चाहे उन्होंने किया हो या हमने किया हो। जो अच्छा। भी पार्टी उत्तर प्रदेश के विकास की बात करेगी, उस हर एक पार्टी की नीतियों का स्वागत है, चाहे वो कांग्रेस करे, सपा करे, बसपा करे, भारतीय जनता पार्टी की बसपा तो कुछ भी नहीं है, दिख रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर कल हाईकोर्ट ने प्रियंका गांधी का लगाया है, प्रियंका गांधी का फॉर्मूला अच्छा लगा, संपत्ति कब्जा प्रियंका गांधी का फॉर्मूला, पूछे जरा जवाब देंगे उनके ऊपर बुलडोजर। प्रियंका गांधी, एक सेकंड, प्रियंका गांधी का फॉर्मूला अच्छा लगा आपको? हमारा वो फॉर्मूला उन्होंने लिया बिल्कुल अच्छा है, हमारा अच्छा था तभी तो उन्होंने लिया, बुराई क्या है? महिला और युवा की बात तो हमने उनसे पहले कर दी थी, फॉर्मूला सपा का था, मैं करेक्ट करवा देता हूँ, एक सेकंड, भूदेव जी फॉर्मूला सपा का था, चोरी कर लिया आपने? देखिए तिलक जी, ऐसा है कि अगर ये खुशी मना रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की जनता को पता है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया है, आज वो इतना मतलब जोरों पर चल रहा है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में वो फेमस हो चुका है ये नारा। और जो महिलाओं के लिए प्रियंका गांधी जी जो भी योजनाएं लेकर के आई है उनके लिए अलग से मैनिफेस्टो तैयार किया गया है, ये न तो समाजवादी में किया गया, न ही आपके बीजेपी में किया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, जवाब दीजिए शिल्पी जी, उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, और उत्तर समाजवादी पार्टी की सरकार, शिल्पी जी आप जवाब दीजिए, अपने आप कहा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये उनका नारा है, एम वाई फैक्टर, महिला और युवा, ये हमारी सोच है, नई हवा है, नई सपा है, ये शुरुआत से हमारे यहाँ से लॉन्च है, अब इसको कोई कैसे ले रहा है ये उसकी अपनी मर्जी है, महिलाओं और युवाओं के लिए जो भी काम करेगा, और समाजवादी पार्टी वैसे भी युवाओं की पार्टी है ये सारी दुनिया जानती है। तो आगे मुझे जवाब देने की वो जो भी कुछ कहना चाहते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता बिल्कुल कहें, लोकतंत्र है, उनको पूरी आजादी है, कहिए। देखिए शिल्पी जी बोलिए, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी है,
लेकिन जब देश को, देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को जब युवाओं की जरूरत महसूस होती है तो आपकी पार्टी का कोई समय कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी जी के सिपाही, वो आपको लगता है उसके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है। जाइए पार्टी पेज को फॉलो करिए, आपको दिखेगा कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, किसको क्या जरूरत है और किसको क्या जरूरत है। सिर्फ जेल जाने के रिकॉर्ड बनाने से वो आप अगर आंदोलन करते हैं तो ये आंदोलन आपको मुबारक हो, हमें इस तरीके के आंदोलन नहीं करने हैं। हम क्या काम कर रहे हैं वो जनता देख रही है। जनता जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ आई है, हर सम्मेलन हर कार्यक्रम में जनता की जो भीड़ जुट रही है, हम किराए की भीड़ नहीं ला रहे हैं, हम किराए की बसेस नहीं ला रहे हैं राजस्थान से और दूसरे प्रदेशों से, हमारी भीड़ स्वतः स्फूर्त आ रही है। हमको जवाब देने की जरूरत नहीं है, लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश की जनता का कितना विश्वास है। शिल्पी जी, राजस्थान से किराए की भीड़ कौन ला रहा है? शिल्पी जी, बस मैं बता रही हूँ, अगर बस आ रही थी कोरोना टाइम में, जिसको माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने रोका है राजस्थान के रजिस्ट्रेशन नंबर देखकर, तो फिर अब इनसे क्या बात की जाए, क्या बात की जाए। अभी भी अगर महिलाओं की बात कर रही थी इनकी नेता प्रियंका गांधी जी, उनके साथ स्टेज पर 40% महिलाएं नहीं थी, उनके साथ स्टेज पर 40% महिलाएं नहीं थी। पहले वो अपनी पार्टी में तो 40% महिलाओं को ले आए। तिलक जी, मैं शिल्पी जी से ये पूछना चाहता हूँ, वे पूरा सुनती नहीं है, उससे पहले बोलना स्टार्ट कर देती हैं। आपकी युवाओं की पार्टी है, आपने कहा कि राजस्थान से बस भर के लाते हैं। कोरोना के समय जब भारतीय युवा कांग्रेस के सिपाही, राहुल गांधी जी के सिपाही, जो लोगों की मदद अपनी जान पे खेल कर रहे थे, तो क्या वो पैसों से लाके मदद कर रहे थे, पैसों से लाए गए थे? अरे शर्म कीजिए, आपने उत्तर प्रदेश में तो कोई विकास नहीं कर पाए, तो कम से कम युवाओं को बना लीजिए, युवाओं के नाम पर भरण करने का काम मत कीजिए। ये वो युवा है जो अपनी जान पर खेल करके देश के लोगों की मदद की है। पंडित जी क्या लड़ेंगे, दूसरों को क्या बताएंगे? पंडित जी इस विवाद में पढ़ना ही नहीं चाहते। एक सेकंड पंडित जी, जनता जानती है। बुधेव जी आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए पंडित जी, आप जानते हैं मैं पिछले 5 मिनट से क्यों कुछ नहीं बोला? 5 मिनट से मैं इसलिए बीच में नहीं बोला इन लोगों के, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा था, मैं किसानी के मुद्दे पर चर्चा कर रहा था। अब ये विपक्ष आप लोगों की आवाज बनेगा? ये विपक्ष आप लोगों की आवाज उठाएगा? आपको उम्मीद है? मैं इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा था 5 मिनट तक, मैं बीच में एक बार बोलने का प्रयास किया था, और बोलने का प्रयास मेरा के लिए था कि तिलक जी का, जब दो बार आपको बोला तिलक जी की आप दोनों की आवाज इतनी तेज थी कि बोल नहीं पाया, और मैं बेसिकली यही कहने वाला था कि हम लोग जिस मुद्दे को लेकर के बहस पर यहाँ, मुद्दे पर हम लोगों की डिबेट है, जिसका हम लोग आपकी चर्चा करने आए हैं, वो मुद्दे हम लोग भटक के पता नहीं कहाँ से कहाँ वो कांग्रेस में चले गए। आपका मुद्दा छोड़ा किसने था? तिलक जी से पूछे मुद्दा छोड़ा किसने था? मैं बताता हूँ ना, मैं तो उदाहरण दे रहा था, अगर मैंने मुद्दा छोड़ा होता, मैं इस कार्यक्रम को यही खत्म कर दूंगा। शिल्पी जी आप दिल पर हाथ रख के प्रण करके बोल दीजिए ये बात कि 1.5 साल हो गया इस आंदोलन को। सुनिए मेरा, पंडित जी बैठे हैं, भूदेव जी बैठे हैं, आर के मिश्रा बैठे हुए हैं। सुनिए मैडम, मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं इस कार्यक्रम को, डिबेट को अगर यहीं खत्म कर दूंगा, अगर आप बोलेंगे इस बात को कि तिलक चावला इस 1 साल में तुमने किसानों की बात नहीं की, तुमने किसानों को खालिस्तानी बोला, आप बोल सकती है कि तिलक चावला तुमने आतंकी बोला, आप बोलिए। आवाज उठाई है सबसे ज्यादा निष्पक्ष रूप से, सिर्फ एक पत्रकार ने जिसको मैं जानती हूँ पर्सनली, जिन्होंने मुझे डिबेट में बुलाया वो तिलक चावला थे, और मैंने इस चीज को हमेशा अप्रिशिएट किया है। लेकिन अभी जो आपने कहा, मैडम क्या कहा था कि प्रियंका ने, नहीं मैं इसीलिए आप उनकी पिच पर, नहीं आप किसकी पिच पर, नहीं मैं, आप किसकी पिच पर जाकर बैटिंग करेंगी वो आप लोगों का विषय है, लेकिन मैं आज भी किसानी की बात कर रहा हूँ, मैं पिछले 1 साल से किसानी की बात कर रहा हूँ एक एजेंडे के तहत, क्योंकि मसला किसान का है। जब किसान होगा तो हम होंगे, तभी जय जवान और जय किसान होगा। अब मैं आ रहा हूं महत्वपूर्ण विषय पर, पंडित जी मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। दर्शन पाल जी ने कहा है, किसान मोर्चे को एक नसीहत दी है, मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो किसान नेता, मैं वही पढ़ रहा हूं जो उन्होंने कहा, जो किसान नेता राजनीति में जाना चाहते हैं उन्हें इस संगठन को छोड़ देना चाहिए।
एसकेएम को गैर राजनीतिक ही रहना चाहिए। ये किसको, राकेश टिकैत जी को कह रहे थे? दर्शन पाल जी ने किसी राकेश टिकैत जी और किसी व्यक्ति विशेष को यह बयान नहीं दिया है। इस आंदोलन के दौरान बहुत से किसान नेता जो आंदोलन की शुरू से लेकर के आखिरी तक आंदोलन में रहे, लेकिन जब दौर आखिरी वक्त का आया जिस समय गंभीरता बहुत ज्यादा हो सकता थी, जब आंदोलन में आवश्यकता थी जिस विचारधारा को लेकर के हमने आंदोलन की शुरुआत की थी, उस आखिरी तक खाने को लेने के लिए जो बात की जा रही थी, जिसमें कुछ किसान नेता पद से पदभ्रष्ट हो करके, कोई मैं किसी राजनीतिक दल का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे आंदोलन की शुरुआत या हम लोगों की स्वीकार गैर राजनीतिक दल के लोग, हम लोगों ने केवल किसानों के विषय पर इस आंदोलन का प्रारंभ किया था। किसानों की बात नहीं, वो ये नसीहत किसको दे रहे थे दर्शन लाल जी? ये नसीहत किसको दे रहे हैं? जैसे दर्शन जैसे गुरनाम सिंह चौधरी जी ने कहा कि राजनीतिक दल बनाऊंगा, पूनम पंडित जी कांग्रेस चली गई, इस तरीके से बहुत ढेर सारे लोग हैं जो अभी बहुत से किसान लेकर तो कहने का मतलब ये उद्देश्य ये नहीं कि आप राकेश टिकैत नहीं राकेश टिकैत जी विषय केवल ये राकेश टिकैत जो कहते थे कि उत्तर प्रदेश में मैं क्यों बात कर रहा हूँ पंडित जी, इस बात को समझिएगा, इसकी पवित्रता की बात है। मैं जिस भाव में जाना चाह रहा हूं आप उस मसले को समझिए। ये किसान आंदोलन इतिहास लिख के गया है और उसकी पवित्रता कायम रहे, मैं इसलिए ये आवाज उठा रहा हूं। आप इस भाव को समझिएगा मैं जो बात कह रहा हूं। कल को कौन यकीन करेगा अन्ना हजारे के आंदोलन से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, एक किसान आंदोलन से किसी राजनीतिक दल का या फिर राजनीतिक स्वार्थ हासिल करना सवाल खड़े कर जाएगा इसकी पवित्रता पर। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि ईमानदारी से बोलिए कि आप लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश में वोट की चोट देंगे बीजेपी को, क्या आज भी आपका यूपी मिशन जारी है या खत्म हो गया? ईमानदारी से बोलिएगा। बहुत बढ़िया, मैं आपकी बात को बिल्कुल से, अगर आप मुझे शुरुआत से मैं आपकी बात का पूर्ण उत्तर, चूंकि आपने ये जो बात कहा है कि ये बात आंदोलन की पवित्रता को टच करने वाला बात है, तो मैं आपको शुरुआत से इस बात को बताता हूँ। कोई भी व्यक्ति हो, पहले सर्वप्रथम व्यक्ति बड़ा नहीं होता, विचारधारा बड़ी होती है, और जिस विचारधारा को लेकर के आंदोलन की शुरुआत हुई थी, किसानों के मुद्दे को लेकर के अपन लोग आंदोलन में आए थे, और जो इस समय देश की सरकार भारत सरकार ने ये काले कानूनों को लाया था, उन काले कानूनों की वापसी की लड़ाई हम लोग जो लड़ रहे थे, हम लोग भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई नहीं थी, हमारी लड़ाई सीधी भारत सरकार से थी, और भारत सरकार के देश के प्रधानमंत्री ने आकर के इन काले कानूनों की वापसी की। अगर लगातार जो सरकार ने संवाद का रास्ता के प्रारंभ किया, अगर सरकार अपने संवाद पर नहीं आती, मिशन यूपी खत्म या जारी रहेगा, मिशन यूपी खत्म या फिर जारी रहेगा। देश में जितने भी चुनाव होते उन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का, चूंकि सत्ता में पार्टी थी, उन सभी चुनाव में उनका पुरजोर विरोध किया जाता और बिल्कुल पुरजोर किया जाएगा। मिशन यूपी आपका जारी रहेगा या खत्म हो गया? नहीं, मैं एक बात एक लाइन में अपनी पूरी करने वाला था। अगर एमएसपी पे जो सरकार के द्वारा ये कहा गया है, अगर एमएसपी की गारंटी पर समय रहते हुए संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा कि सरकार ने समय रहते हुए इस विषय पर भी गंभीरता से बिल बनाने की बात नहीं की गई, तो पूर्णतया फिर से इनका पूर्ण जिस प्रकार से आंदोलन में विरोध चल रहा था, उसी तरीके से आंदोलन में फिर एक नए आंदोलन की शुरुआत होती, इनका यूपी चुनाव में भी विरोध होगा। आपकी बात को मैं बिल्कुल तरह से न इनकार करते हुए, अब आर के मिश्रा जी, मैं एक विषय को उठा रहा था, मैं इस विषय को बहुत गंभीरता से इसलिए उठा रहा था क्योंकि इस किसान आंदोलन को लेकर मैंने कल एक बात भी कही थी, और आप कल के कार्यक्रम अगर टाइमलाइन पे देखेंगे आपको मिल जाएगा। मुझसे मेरे साथी ने पूछा था कि किसान आंदोलन से हासिल क्या हुआ इस एक साल 14 दिन से, तो मैंने पूरा बताया कि हासिल क्या हुआ। मैं इसलिए बात पंडित जी से कह रहा था कि इसकी पवित्रता पर किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। किसी की नजर में ये आंदोलन जीवित है, लेकिन एक साल 15 दिन की ये तपस्या,
वो तपस्या अपने आप में इतिहास लिख गई थी। मैं खैर अब विषय पर आ रहा हूं, क्या आप मानते हैं कि जैसे आपने कहा कि किसान आंदोलन जो है इसका असर खत्म हो गया, लेकिन क्या आप इस बात को मानेंगे कि किसान अब जो है वो हिंदू मुसलमान में नहीं बटेगा, किसान जो है वो जाट और मुस्लिम में नहीं बटेगा, किसान किसान रहेगा, आप इस बात को तो मान गए? आर के मिश्रा जी, संगठित, देखिए समाज को संगठित रहना बहुत जरूरी है, इसमें कोई तो किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव से उनकी जिस तरह से एक भाजपा के विरोध में जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश, वहां पर जरूर शंका उत्पन्न हो रहा था इस आंदोलन को लेकर। लेकिन जब आप अब अभी कह रहे हैं जो कि निश्चित तौर पर अगर यूपी हो चाहे कहीं पे भी हो, एक भाजपा के पक्ष में विपक्ष में अगर माहौल बनाने की कोशिश करेंगे तो कहीं पे भी आप इस आंदोलन की पवित्रता के ऊपर में संदेह सरकार किसकी है? हाँ, अगर ये पार्टी के विरुद्ध में ना होकर के बिल्कुल भारत सरकार से इनकी लड़ाई है, भारत सरकार से इनकी लड़ाई है, निश्चित तौर पर पवित्रता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति नहीं विचारधारा बड़ी होती है। और दर्शन पाल जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, सरकार किसकी है? अगर कोई महत्वाकांक्षा के साथ सरकार किसकी अगर है? कोई आंदोलन के बीच में आता है या आंदोलन में रहता है तो फिर इसका मतलब ये हुआ तो आप भाजपा के विपक्ष में जो है आप उनका माहौल बना रहे हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके पंडित जी, जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं शिल्पी चौधरी आपके पास आ रहा हूँ, फिर शर्मा जी आपके पास। मैं आपको एक मूर्तया फिर आश्वस्त कर देता हूँ, ये जो बात है इसको मिश्रा जी मैं आपसे पर्सनल निवेदन करना चाहूंगा, इस शब्द को कृपया करके भूल जाया जाए कि ये माहौल बनेगा या माहौल बिगड़ेगा या अराजकता, ये सब लाइनों को हटा दिया जाए, केवल एक विषय पर बात करने की आवश्यकता है जो मैं हमेशा से कहा हूँ, संयुक्त किसान मोर्चे ने हमेशा से इस बात को कहा है कि हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं थी, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में बैठी है तो प्रश्न उसी से होगा। अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव में ये इसलिए नहीं गया वहां पर गया था कि हम किसी भाजपा को हराना चाहते थे, लेकिन अगर सरकार में रहने वाली जो पार्टी है हमारी बात नहीं सुनेगी, अभी यूपी चुनाव आ रहा है बिल्कुल उसमें भी इसी तरीके से, अगर एमएसपी पर सरकार के द्वारा जो वादा किया गया है अभी हमारे मोर्चे ने इस चीज में, शिल्पी जी शिल्पी जी ओके एक सेकेंड एक ना 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 एक सेकेंड शिल्पी जी, मेरा ये कहना है कि किसान एक बात समझ गया कि भैया किसान जो है वो हिंदू मुसलमान नहीं, पहले उसका धर्म किसानी है, इस किसान आंदोलन ने ये सिखाया। आपको लगता है कि इस चुनाव में जो हिंदू मुसलमान किसान को बांट दिया जाता था, जाट मुसलमान किसान को बांट दिया जाता था, लेकिन इस बार वो नहीं होगा, किसान एक ही जात है किसानी, उसका धर्म किसानी है, आप लोग मान गए इस बात को कम से कम? देखिए ये एक बहुत पवित्रता वाली जो बात आप कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ, ये बहुत बड़ा जन आंदोलन था और भारत की आजादी के बाद का ये सबसे बड़ा जन आंदोलन था, इसीलिए इसमें सम्मिलित हर किसान का बहुत सम्मान है, हमेशा से रहा और आगे भी रहेगा। किसानों को बांटकर राजनीति हमने नहीं की, और ये बहुत अच्छी बात है कि जो पार्टियां धर्म जाति के आधार पर लोगों को बांटती थी उनके लिए ये चुनाव जरूर एक सबक होना चाहिए, लेकिन उसके लिए इस जन आंदोलन नॉन पॉलिटिकल बने रहना चाहिए, लेकिन अभी आपने नहीं बांटा क्या किसानों को? हमारे जात और धर्म में आपने नहीं बांटा? ना ना ना, मुजफ्फरनगर कांड के वक्त क्या बांटा नहीं आप लोगों ने? इसी किसान को बांटा, मतलब हम लोगों ने करा दिया, मतलब सरकार नहीं करा दिया, जो कुछ हो रहा है सरकार। मैंने ये तो नहीं कहा, कि मुजफ्फरनगर कांड आपने करवाया, अगर जाट मैं ये कह रहा हूँ कि क्या उस वक्त किसान धर्म में नहीं बटा था? पंडित जी मैं गलत बोल रहा हूँ, पंडित जी मैं गलत बोल रहा हूँ, जो बांटने वाले लोग हैं वो देखिए सरकार में बैठे और इस बार नहीं बांट पा रहे हैं, क्योंकि जब जनता के पेट पर लाश पड़ी है ना तो इन सारे किसानों को आज समझ आ गई, इन्होंने खुद कहा कि राकेश टिकैत जी का ये बयान है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे लेकिन अब नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके पंडित जी जो प्रवक्ता है संयुक्त किसान मोर्चा से उनकी एक बात थोड़ी सी मुझे शंकित कर रही है, जो वो कह रहे हैं मैं उन पर शक नहीं कर रही हूँ लेकिन थोड़ा सा मुझे ये गड़बड़ा रहे हैं, मुझे वो क्लियर कर दें। उन्होंने कहा हमारी भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई नहीं थी, हमारी भारत सरकार से लड़ाई नहीं थी, से लड़ाई थी, ठीक है, और
उत्तर प्रदेश के चुनाव आने तक अगर ये एमएसपी पर अपना एक डिसीजन ले लेते हैं तो इनकी वो लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। तो यानी इसके बाद फिर आप सारे वो अत्याचार भूल जाएंगे, वो खालिस्तानी कहना, वो पाकिस्तानी कहना, वो आतंकवादी कहना, आपको देशद्रोही कहना, वो सब आप माफ करवा देंगे। पंडित जी जवाब दीजिए, फिर भूदेव जी आपके पास आ रहा हूं। जवाब देता हूं इस बात का। एलपी जी, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जब भी अपनी बात रखी जाती है, भूलना, किसी जिद पर लड़ना, आज जो आपने भी 2 मिनट पहले कहा कि राकेश टिकैत जी ने कहा था कि सत्ता में भाजपा को किसान ही लाए थे, ये उनका बिल्कुल परफेक्ट बयान था। मैं उसी बात को कोट करते हुए आपसे कहता हूँ कि शुरू से ही संयुक्त किसान मोर्चे ने भी इस बात को कही जो मैं आपसे कह रहा हूँ। हमारी लड़ाई भारत सरकार से थी, भारत सरकार के द्वारा, और आप अपनी डिबेट चालू होने से पहले अगर मेरी बात को आपने सुना हो तो मैंने प्रथम तौर पर इस बात को कहा कि सरकार ने जो निर्णय लिया वो तो ठीक है। ये तो मैं जिद पर आकर के कह दूं कि नहीं नहीं नहीं, भाजपा ने जो निर्णय ले लिया वो गलत किया। जो निर्णय लिया बहुत स्वागतपूर्ण निर्णय था, उन्होंने काले कानूनों की वापसी की, लेकिन उसके पहले मैंने, अगर आपने बयान पूरा सुना हो तो मैंने इस बात को कहा कि अगर इस बयान, इस काले कानूनों की वापसी अगर सरकार समय पे करती तो जो आज खुशी आप हम सभी लोग मिलकर के इन काले कानूनों की वापसी पर मना रहे हैं, आज परिवार के जो सदस्य हम लोगों के बीच में नहीं है, जिनके माँ बहन परिवार वो जो नहीं है, आज गोलवासी हो चुके हैं, अगर वो सभी लोग साथ होते तो आज इस खुशी का आनंद ही कुछ और होता। दूसरी बात, हम आपको भूदेव शर्मा, ना एक सेकंड, भूदेव शर्मा मेरा ये कहना है, मैं ये कह रहा हूं जो बात मैंने सीधे तौर पर पंडित जी से भी कही, मैं सीधे तौर पर ये कह रहा हूं कि भाई इस किसान आंदोलन पर, उसकी पवित्रता पर कोई दाग ना लगे, उस आचरण पर कोई दाग ना लगे। आपने अगर इसका राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर लिया तो फिर ये आंदोलन पवित्र नहीं रहेगा। भूदेव शर्मा, आप लोग कह रहे हैं कि ये किसान विरोधी सरकार थी, तो फिर ये माहौल किसके खिलाफ हो रहा है? तो तिलक जी, आप बोलना चाहते हो कि इन किसानों को वोट डालने का कोई अधिकार नहीं है? मतलब ये सरकार के खिलाफ अगर वोट डालते हैं और सत्ता में अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं आती है तो आप कहेंगे कि किसानों ने मतलब राजनीतिक दूसरी पार्टियों ने या कांग्रेस ने इसका राजनीतिक उपयोग किया और भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया? आपका कहना ये है, मतलब इनको लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है वोट देने का, या फिर ये समझते नहीं है कि किस तरह की ये तानाशाही? भूदेव जी, आप समझे नहीं या मैं समझा नहीं पाया आपको? मैंने जो बात कही, ना मैंने जो बात कही उसको आपने ध्यान से सुना नहीं। मैंने जो बात कही मैंने ध्यान से सुना नहीं आपने। शिल्पी जी जरा समझा दीजिए जो मैंने कहा था। नहीं, आपने बहुत बहुत बड़ी बात बगैर कहे कही है, और वो निसंदेह जन आंदोलन की पवित्रता को बनाए रखने की जो बात आप कह रहे हैं वो एक इनडायरेक्ट हिंट है संयुक्त किसान मोर्चा को, और ये नॉन पॉलिटिकली आप कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसका पूरा समर्थन करती हूँ। भूदेव शर्मा जी की अपनी समझ, वो क्या समझना चाहते हैं, स्क्रीन पे मैं ये बात नहीं कहूंगी, आप कहें ज्यादा। भूदेव जी, शायद आपने किसान नेता के आंदोलन में सुना नहीं, राकेश टिकैत जी भी कई बार बोल चुके हैं, और भी नेता जिन पे आप बोल रहे हो, क्या राकेश टिकैत जी जो राजनीति, मतलब राजनीति में आएंगे या कुछ ऐसा है, जब वो साफ तौर पर क्लियर मना कर चुके हैं। और रही इस बात की कि इनका लोकतांत्रिक अधिकार है, इनको वोट देना है, ये किसके पक्ष में देते हैं किसके विपक्ष में देते हैं, ये इनकी खुद की समझदारी है। और मैं वोट देने का अधिकार छीनने की बात नहीं कर रहा हूँ, तो विपक्ष का आप गलत सोच रहे हैं। भूदेव शर्मा, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, ये बात मैंने पंडित जी को समझा दी, शिल्पी जी को समझा दी, ये बात मैंने आर के मिश्रा जी को समझा दी, लेकिन आप नहीं समझ पाए। मैं वोट छीनने के अधिकार की बात नहीं कर रहा हूं, ये आप बहुत गलत सोच रहे हैं। मैं सिर्फ उसके पवित्रता बनी रहे उस आंदोलन की, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, इस आंदोलन की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, ये एक इतिहास का, आर के मिश्रा जी, आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन, आर के मिश्रा जी, जिसने एक ऐसी तानाशाही सरकार को झुकाया है जो अपने आप को सर्वोच्च मानने लगी थी जी। तो इसकी कल जाइएगा टाइमलाइन पे, मैंने बताया है किसान आंदोलन का मतलब क्या है। मेरे एक मित्र ने पूछा था इस किसान आंदोलन से हासिल क्या हुआ। आप कल जाइएगा, मेरी टाइमलाइन पे पड़ा हुआ है, न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टाइमलाइन पर आप देखिएगा, मैंने शुरू में बता दिया इस किसान आंदोलन से हासिल क्या हुआ है, आपको भी समझ में आ जाएगा। भूदेव जी एक सेकंड रुकिए, बहुत लोग हैं जिन्होंने नौकरी भी दांव पर लगा दी साहब, किसान आंदोलन पर आवाज उठाने के लिए, सवाल पूछने के लिए। हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए, अब मत भूलवाइए बहुत कुछ। शिल्पी जी जानती हैं और मिश्रा जी भी जानते हैं। मिश्रा जी जी,
किसान विरोधी तमका आपको मिलेगा, मिला कि नहीं मिला किसान विरोधी? देखिए तिलक जी, मैं आपके साथ खास करके व्यक्तिगत रूप से, तो मैंने कम से कम 50 के ऊपर इसी किसान आंदोलन के ऊपर में हमने डिबेट किए हैं और निश्चित तौर पर बहुत बहुत ज्यादा डिबेट है आपके साथ। दूसरी बात यह है जो कि ये भारत कृषि प्रधान देश है जहां पर 65% आबादी कृषि के ऊपर में आधारित है। निश्चित तौर पर कोई भी पार्टी ऐसी नहीं चाहेगी जो खास करके जहां पर 65% आबादी जो कृषि के ऊपर आधारित हो उसको नाराज करके कोई भी पार्टी सरकार में बनी रहे, चाहे मैं यहां पर हूं या शिल्पी जी हूं, देव जी हूं, कोई भी। निश्चित तौर पर नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। सवाल पूछो कि 700 किसानों की मौत का हिसाब दे पाएंगे आप? हिसाब मैंने तो यही कह रहा हूं जो कि इस आंदोलन की पवित्रता हमेशा बनी रहेगी। और जहां तक 700 किसान की बात है, जो किसानों ने जो अपनी बातें रखी और उसको सरकार ने माना है और प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से उस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इस तरह से आगे आकर के उन बिलों को वापसी ली है, निश्चित तौर पर अब इसके बाद कुछ बचा नहीं रह जाता है। इसीलिए बार बार इस प्रश्न को दोहराना तो वो मुझे लगता है शायद नहीं है। 700 किसान वापस आ जाएंगे, मैं वही कह रहा हूँ, जब पूरी परिप्रेक्ष्य को अगर देखें तो निश्चित तौर पर अब इसमें कोई ऐसा बात नहीं रह जाता, कोई प्रश्न नहीं रह जाता। जब प्रधानमंत्री खुद आकर के जो संवैधानिक पद पर है वो आकर के उन्होंने खुद इस चीज को देखा। ओके ओके, अब मैं बताता हूँ, चलते 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 मैंने शुरू से कहा और खास तौर पर जो हमारी बिरादरी है ना भूदेव शर्मा जी, पत्रकारों की बिरादरी, उसमें कुछ हैं राष्ट्रवाद के नाम पर टकराने लड़ाने भिड़ाने वाले। मैं चाहता तो आप लोगों को अभी भी टकरा देता, लड़ा देता, भिड़वा देता। ये खाली स्थानी नहीं है। अगर देश के प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर दिल बड़ा किया तो उनको भी सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने ये बताया कि ये खाली स्थानी है, ये आतंकी है, जिन्होंने ये कहा कि इनकी फंडिंग कनाडा से हो रही है, उनको भी माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक रूप से। उन संस्थानों को बाहर निकलकर उनके एडिटर्स को माफी मांगनी चाहिए कि हां हमने गलत बोला था, हां हमने बोला था कि ये खालिस्तानी है, हमने ये बोला था कि ये पाकिस्तानी है। उन पत्रकारों को भी माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। थैंक यू सो मच, वक्त इजाजत नहीं दे रहा पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भूदेव जी आपका भी, आकांश पंडित जी आपका भी, आरके मिश्रा जी आपका भी और शिल्पी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।